नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। आइए, कल देर रात से ही जिले में चर्चा थी कि सीबीआई की रेड पड़ी है और कई जगह पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हुआ, कई जगहों से कैश मिला, कई जगहों से सोना मिला। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है उस विषय में जो है उन मुद्दों पे पूरा चर्चा करेंगे। हम लोग अभी खड़े हैं एनसीएल मुख्यालय के ठीक सामने और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनीष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या था और हम भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। आपने सुबह से ही देखा होगा ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी, यह सोझा के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए, सोना बरामद हुआ, साथ ही जो बसंत कुमार हैं उनको भी अपने कस्टडी में लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक नाम सामने निकल कर आ रहा था, जो मेन नाम है इनका दिवेश सिंह का भी जो है नाम सामने निकल कर आया और यही कड़ी थी मेन। आपको बता दें इनको जबलपुर में ही कल ट्रैक कर लिया गया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 लाख रुपए जो है कैश पहुंचाने गए थे यहाँ और वहाँ पर जिस अधिकारी को देने गए थे वो भी अधिकारी ट्रैप हो गया है। और रवि सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। आज जो है न्यायालय में इनको पेश किया गया है और वहाँ से जो है इनको अपनी कस्टडी में फिर से ले लिया गया है। आइए सीधे मुद्दे पे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे मनीष चौधरी से कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय को लेकर। देखिए सुनील जी, एनसीएल के कई अधिकारी पूर्व से ही सीबीआई के घेरे में रहे हैं। हम पुरानी पृष्ठभूमि अगर उठा के देखें तो एनसीएल सीएमडी के समेत कई पूर्व ऐसे डायरेक्टर रहे हैं या यहाँ के सप्लायर रहे हैं जिस पर एनसीएल के अधिकारियों पर सीबीआई के छापे पड़ते रहे हैं। अगर आप 6-8 महीनों के दरमियानी बात करें तो आपको ध्यान होगा कि गोरबी जीएम के ऊपर भी और उनके सहयोगी पीए के ऊपर भी मुहेर में मुआवजे को लेकर के सीबीआई की रेड पड़ी थी। उसके जस्ट बाद इसी साल जनवरी में एनसीएल मुख्यालय में एक विभाग पर रेड पड़ी थी और एक आदमी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था सीबीआई के द्वारा। तो ये एनसीएल में भ्रष्टाचार पूर्व से ही चला आ रहा है। अब हम इन पूर्व की चीज़ों को छोड़ के अगर नए वर्तमान में आए तो कल रात 12 बजे से ही सीबीआई की धमक जिले में देखी गई। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तय हुई मैं बताता हूँ, जो जानकारी अभी हमारे सामने तो निकल के आई है। बताइएगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं बता दें कि जिस प्रकार से कल से जो अभी तक कार्रवाई जारी है कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए मिलना, नोटों की गिनती होना, अभी भी जो नोट हैं कहीं ना कहीं गिनती हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रेट पड़ रहा है। बताइए, जो सोने के कछुए हैं, मतलब एक एक पाव की जो कछुए हैं वो बरामद होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों रुपए कैश, मतलब दूसरे के घरों में करोड़ों रुपए फेंक देना, कचड़े में करोड़ों रुपए फेंक देना, कहीं बर्तन में मिल रहे हैं, कहीं बोरे में मिल रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये इतने सारे पैसे कैश में आए कहाँ से, कौन दिया इनको, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बता दें जो घुसखोर अधिकारी हैं एनसीएल में बैठे हैं, ये इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि बताने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि कल से जो 1:30 बजे रात से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, शाम को करीब 5-5:30 बजे कार्रवाई खत्म होती है, उसके बाद भी अभी भी कार्रवाई जारी है। हम आपको एनसीएल मुख्यालय के अंदर में ले गए थे जहां पर सीएमडी बैठते हैं, जस्ट उसके बगल में जो है यह सोझा बैठते हैं, उनके ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई की जा रही थी, क्या बोलना चाहेंगे आगे। देखिए, कल रात को करीब 1 बजे के आसपास सीबीआई की टीम ओझा साहब के घर पर पहुंचते हैं। ठीक इस पूरे मुद्दे के बाद वो घर खटखटाते हैं, उनकी मैसेज निकलती है, वो बोलते हैं कि वो नहीं है, बाहर गए हुए हैं। सीबीआई की टीम को भनक तो थी कि वो घर पे ही हैं, पता ये चला कि वो अपने छज्जे पे छुप गए थे और जितने भी कैश से भरे बैग थे वो पीछे उनके हाथ में आया। हाँ, जितना उनके हाथ में आया, करीब जो जानकारी मिली कि 90 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए, बाकी वो अपने पड़ोस के घर में 2 बैग फेंके थे और 2 बैग कैश से भरे वो पीछे जंगल में फेंक दिए थे, जिसे सीबीआई ने बड़े आराम से बरामद कर लिया। उसके बाद उन्हें भी उतार लिया गया छज्जे से, जिसके बाद पूछताछ का दौर दिन भर चलता रहा। और इसके साथ ही 2 लोगों पे कार्रवाई चलती रही, एक जो एनसीएल के सिक्योरिटी विभाग में एचओडी है कर्नल बसंत कुमार और दूसरे जो यहाँ के पूर्व सप्लायर रह चुके हैं पिछले एक दशक से, उनका नाम चलता है रवि सिंह। के बारे में कहा जाता है कि पीके सिन्हा के ज़माने से ही उनके करीबी रहे हैं और यहाँ पे उनकी तूती बोलती है। तो उनके बिंद नगर स्थित ढोटी में निवास में ही
सीबीआई की कल रात से छापेमारी चल रही थी। अच्छा, दो चीज़ें बात निकल के आई कि वो रात को रवि सिंह भागने का प्रयास कर रहे थे, सीबीआई ने पकड़ा, कार्रवाई करने के बाद उन्हें बैठन कोतवाली में बैठाया गया। एक चीज़ और बोला जाएंगे, इनको जब कोतवाली में बैठाया गया रवि सिंह को, तो वहाँ से उनको उनका बीपी जब बढ़ा है तो उनको ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, मेडिकल हुआ, कुछ देर के लिए वहाँ भर्ती हुए, तो जिले में जो हल्ला हुआ कि वो ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गए हैं, रेफर की तैयारी बन रही है। लेकिन फिर खबर आती है कि नहीं, उन्हें जो है कोतवाली फिर से वापस पुनः ले जाया गया है। अब आगे की विस्तार से आप बताइए। कोतवाली वापस लाया गया, उसके बाद सीबीआई की गिरफ्त में लिया गया, उसके बाद उन्हें वहां पे कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पे लिया गया। यहां पे कार्रवाई चल रही थी, जो जानकारी स्पष्ट रूप से सामने निकल के आई कि एस ओझा, सूबेदार ओझा, जो पीए टू सीएमडी हैं, इनके घर से 3,86,00,000 रुपए कैश, उसके बाद एक जानकारी ये भी आई कि 4 करोड़ से ऊपर कैश बरामद हुआ। ये विजुअल फोटोज़ वगैरह जारी है कि इनके द्वारा भारी मात्रा में कैश इनके घर से बरामद किया गया है। उसके अलावा सोने चांदी के जेवरात, सोने के कछुए, ये तमाम चीज़ें इनके घर से मिली है। करीब 4:15 बजे तक सीबीआई की रेड इनके घर पर चलती रही, साथ साथ जो सिक्योरिटी विभाग में कर्नल बसंत कुमार है उनके घर पर चलती रही, और इसके बाद इन्हें यहाँ मुख्यालय लाया गया। ये सारी प्रक्रियाएं दिन भर आज चलती रही हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एनसीएल के अधिकारी जो ठेकेदार थे, इनके आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि जो एनसीएल के सीएमडी हैं, इनके खास जो पीए होते हैं, जो जस्ट इनके बगल में इनका चैम्बर है अंदर में, यस ओझा, इनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। हालांकि अभी पुष्टि पैसे की नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर हम लोग को मिल रहा है 3,86,00,000 रुपए और सोने के कछुए भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जो दिन भर का चर्चा था कि ये टीम जो है जबलपुर की है, लेकिन अब जो निकल के सामने आ रहा है, ये टीम जो थी सीबीआई की दिल्ली की टीम है। इसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे कि आखिर जो टीम थी, कहीं ना कहीं प्रेस के सामने आकर कुछ भी नहीं बताई कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी टीम कितनी है, कितनी सदस्यीय टीम है, ये सारा चीज़ निकल के नहीं आए। लेकिन जो निकल के आ रहा है अब कि ये दिल्ली की टीम थी, और सारे लोगों को जो है बताना चाहूँगा इस पर कि इस पर दो पहलू हैं। देखिए, क्योंकि सीबीआई की जो जानकारी मिली, करीब 22 सदस्यीय टीम इन तीनों लोगों पर छापेमारी करने के लिए आई थी। इनसे बार बार मीडिया कर्मी सवाल जवाब करते रहे, मगर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो ऐसे में एक द्वेषपूर्ण भावना और ये जानकारी निकल के सामने आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप क्यों नहीं बता रहे हो, दिन भर यहाँ पत्रकार खड़े हुए हैं, आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जितनी बार भी रेड पड़ी है, जाते जाते इन्होंने जानकारी दी है, और इस बार ये साफ इनकार कर दिए कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम सक्षम नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे, हमें जानकारी कुछ नहीं थी, हमें खाली यहाँ भेजा गया है। दो तरह की बातें इसमें निकल के सामने आई। एक मुद्दा ये निकल के आया कि एनसीएल के पूर्व अधिकारियों के ऊपर पूर्व में सीबीआई में जबलपुर में मामला दर्ज कराया गया था भ्रष्टाचार का, जिसे लेकर एक डीएसपी इस पूरे मुद्दे की जांच कर रहे थे। उस डीएसपी द्वारा एनसीएल के अधिकारियों से 5,00,000 की रिश्वत की डिमांड की गई। देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूँ, डीएसपी द्वारा, सीबीआई के डीएसपी द्वारा रिश्वत की डिमांड की गई 5,00,000 की। ये 5,00,000 दिलवाने वाले एक बिचौलिए थे, सूत्रधार जिसे कहा गया है, जो पहले से भी एनसीएल में घाघ की तरह बैठे हुए थे, वो है सप्लायर रवि सिंह। वो बिचौलिए का काम कर रहे थे, और जिस आदमी ने ये रिश्वत पहुंचाई उसका नाम था दिवेश सिंह। दिवेश सिंह ईएनटी विभाग से जुड़े हुए हैं। इन्हें रिश्वत देते हुए और डीएसपी को रिश्वत लेते हुए सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रैप किया। कहा ये जा रहा है कि डीएसपी का फ़ोन ट्रेस किया जा रहा था, जिसके आधार पर इन दोनों की बातचीत ट्रेस हो पाई और इन्हें जबलपुर में पकड़ा गया, और उसके बाद ये पूरी चीज़ों की कार्रवाई आगे बढ़ी। डीएसपी और दिवेश सिंह ने इन तीन अधिकारियों के नाम लिए, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई। दूसरा पहलू ये है कि ये जानकारी निकल के आई कि जबलपुर की टीम नहीं थी, ये टीम नई दिल्ली से आई थी, और मामला सप्लाई से जुड़े 550 करोड़ के भ्रष्टाचार का था, जिसमें पूर्व सीएमडी पीके सिन्हा और भोला सिंह के भी संयुक्त होने की बात चल रही है, और सीबीआई टीम इन जगहों पर भी जानकारी में छापेमारी कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि ये जो आज पूरी कार्रवाई हुई है, डीएसपी सीबीआई जबलपुर
की संलिप्तता थी इसमें। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि एनसीएल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। यह मटेरियल सप्लाई में करीब 5.5 करोड़ रुपए की व्यापक जो खेला किया गया था इसकी खबर थी। इसमें आपको बता दें कि संविदा से लेकर पूर्व के सीएमडी और अन्य एनसीएल के अधिकारियों की साठगांठ थी। बता दें कि जिसमें सीबीआई जबलपुर में पदस्थ जाए जोसफ डामले डीएसपी भी संलिप्त थे। सीबीआई नई दिल्ली को जानकारी मिली है। सीबीआई दिल्ली की टीम ने आपको बता दें कल 17 अगस्त को ही डीएसपी को हिरासत में ले लिया था सिंगरौली जैसे ही पहुंचे। और नहीं, आपको बता दें एक चीज़ और कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है, जो पूरा दिन भर चर्चा का विषय बना रहा कि कार्रवाई किसने की, आपको बता दें ये सीबीआई नई दिल्ली के इंस्पेक्टर विकास रनौत के अगुवाई में है, पूरी कार्रवाई की गई है। क्या बोलना चाहेंगे? ये विकास रनौत जो दिल्ली की टीम थी इसको ये लीड कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है। प्लस एक चीज़ इससे और पुष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से बात निकल के आ रही है ये धारा क्या क्या लगाई गई। देखिए, धारा अगर आप देखेंगे तो सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम 7A, 8 और पीसी एक्ट 1988 सहित अन्य भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 61 के तहत मामला दर्ज किया है। जो जानकारी निकल के सामने आई है, जो कि सीबीआई ने कोई जानकारी नहीं दी, दो तरफा बातें हो रही हैं, जबलपुर की टीम है कि दिल्ली की टीम है, इन सारी मुद्दों पर चर्चाएं जोर पर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ और निकल के आया है, जो बिचौलियों का काम कर रहे थे वो एनसीएल के सुरक्षा अधिकारी भी इसमें जो है बिचौलिया का काम कर रहे थे लेन देन को लेकर। लेकिन सवाल तमाम हैं, सवाल बने रहेंगे, आखिर ऐसे घुसखोर जो अधिकारी हैं एनसीएल में कैसे पनप जाते हैं और इतनी लंबी लंबी जो है रकम इनके घर से बरामद होता है, जो चर्चा का विषय नहीं है, सोचने वाला बात है कि आखिर इतना एक मुश्त करोड़ों करोड़ों रुपए जो है बरामद हो रहे हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये भी बता दें, ये पहली कार्रवाई है जिसमें करोड़ों रुपए घरों से बरामद हुए हैं। सोने के कछुए जो है घर से बरामद हुए हैं, कचरे से पैसे बरामद हुए हैं, दूसरे के घर से कैश बरामद हुए हैं, और जो यश ओझा थे उनको छत से जो है पकड़ कर नीचे उतारा गया है। तो ये स्थितियाँ रही हैं, और क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि जो एनसीएल के बड़े अधिकारी इस पूरे कार्रवाई में संलिप्त हुए हैं या पाए गए हैं, इसके बाद ये कार्रवाई संभवतः कल भी जारी रहे, कल भी कुछ अधिकारियों के आज जारी रहे, और इसमें और कई बड़े नाम निकल के सामने आ सकते हैं। जो सूचना मिल के आ रही है कि शायद जो पूर्व के सीएमडी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है या चल रही होगी। अगर ऐसा है तो कई बड़े नाम और कई और हस्तियों के नाम या कई और बड़े मामले इस पूरे मुद्दे पर उजागर होने की संभावना है। कहीं ना कहीं बता दें कि जो लोग पकड़ाए हैं उनका कई सालों से जो है दबदबा इनका बरकरार था एनसीएल मुख्यालय में। और बता दें आपको कि जहां पूर्व में पदस्थ एनसीएल सिंगरौली के तीनों सीएमडी मुरली पीके सिन्हा एवं भोला सिंह के काफ़ी रहे हैं, जयंत नज़दीकी रहे हैं और उनसे बेहतर तालमेल था रविशंकर सिंह का। आज इनको और इनकी पत्नी को भी उनका नाम बताइए तो, क्या नाम है इनका, इनकी पत्नी का? मैं माफ़ी चाहूँगा, उनकी पत्नी का नाम शायद जय सिंह था। बता दें आपको सप्लायर के कई जो सप्लायर हैं इनका आलीशान मकान है, वो भी सूत्र बताते हैं एनसीएल सिंगरौली मटेरियल सप्लाई का काम करते थे रवि सिंह उनकी पत्नी शायद नीतू सिंह को भी हिरासत में लिया गया, ऐसी सूचना मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई जो है कल भी जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि इन सभी को बैडन सत्र न्यायालय में पेश किया गया है और रिमांड पे, कल तक की रिमांड पे इन लोगों को लिया गया है और संभवतः कल तक की ये कार्रवाई जारी रहेगी। और अगर नहीं जारी होती तो हो सकता है कि संभवतः रात को या कल सुबह इनको ले आकर जबलपुर ले जाया जाए और वहाँ सीबीआई की विशेष अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा। खैर, बहरहाल एनसीएल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला फिर सामने आया है और ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय पैदा करता है कि क्या एनसीएल इतनी साफ सुथरी है। वहीं अगर देखा जाए तो रवि सिंह के यहाँ जो इंद्रपुरी ढोटी में जो कॉलोनी है वार्ड क्रमांक 31 में दबिश दी गई थी, कल लगभग रात में 2 बजे के आसपास में उनको उठाया गया वहाँ से। सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिर इतनी मोटी चमड़ी के जो घुसखोर कर्मचारी हैं यहाँ कैसे पदस्थ हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हमेशा रहेगा कि जो ये घुसखोर अधिकारी हैं इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, एनसीएल कब कार्रवाई करेगा। एक चीज़ और, एनसीएल में जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं इनको इन पे नज़र रखने के लिए एनसीएल में भी एक विजिलेंस विभाग है, मगर वो मेरे हिसाब से अगर जो एनसीएल का विजिलेंस विभाग है वो सफ़ेद हाथी का काम करता है, क्योंकि आज तक मेरे संज्ञान में ऐसा कभी नहीं आया है कि विजिलेंस विभाग द्वारा किसी ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया गया। मैं एक बात मैं और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा,
जो दूसरी बात निकल के आई थी 550 करोड़ की जो सप्लाई की बात थी, ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो वर्तमान CMD बी साईराम है, इन्होंने ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के CBI में शिकायत दर्ज की है। और अगर ऐसा मामला है तो ये बड़ा मामला है कि पूर्व CMD को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान CMD ने मामला दर्ज कराया है CBI में। अगर ऐसी बात है, अगर ये CBI खुल के स्पष्ट करती है भविष्य में, तो ये बड़ा मुद्दा कहा जाएगा कि CMD द्वारा ये मामले को संज्ञान में लाया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है विजिलेंस को लेकर। एनसीएल में जो विजिलेंस टीम है, सफ़ेद हाथी नहीं है, सफ़ेद कम्बल ओढ़ कर घी पी रहे हैं। इनको खबर सब रहती है लेकिन कुछ भी नहीं करते, अपने कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं। आज जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, बसंत कुमार सिंह और यश ओझा रवि सिंह को पकड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। और भी अधिकारी हैं जो यहाँ से लापता हो चुके हैं, कितनों ने तो अपना मोबाइल बंद कर दिया है। अब आगे जैसे जैसे अपडेट मिलता हम आपको देंगे, लेकिन जो अधिकारी अभी CBI की रेड पड़ने के बाद 9-2-11 हो गए हैं, रफू चक्कर हो गए हैं, कल देखिए, कल तो काफ़ी लोग यहाँ आएंगे भी नहीं, कहीं ना कहीं उनको भी डर बना रहेगा, किसी कोई बीमारी का बहाना मारेगा, कोई बोलेगा छुट्टी है, रक्षाबंधन है, हम आएंगे ही नहीं। तो ये स्थितियाँ हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ में। ज़्यादा अपडेट चाहिए आपको तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है 9425178849, इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज भेजें, न्यूज़ लिख कर आपको एक लिंक मिलेगा, आप सीधे जुड़ सकते हैं उस लिंक को टच करके। और फेसबुक पे हैं तो समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करें उस पर, और जो नए होंगे पेज को फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद।